नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार सरकार की तरफ से ग्रामीण आवास योजना को लेकर। अगर आपको अभी तक ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो यहां पर आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है। बिहार सरकार ने यहां पर साफ साफ जो यहां पर नोटिस जारी कर दिया है। बिहार के सभी जिला ब्लॉक प्रखंड ग्राम पंचायत में जो है यहाँ पर ग्रामीण आवास योजना का सर्वे जो है यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। अगर आप लोग को अभी तक ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, लिस्ट में नाम नहीं जुटा है, तो यहाँ पर जो है बिहार सरकार ने यहाँ पर ग्रामीण आवास योजना को लेकर यहाँ पर सर्वे जो है शुरू कर दिया गया है। तो आप लोग को किस प्रकार से सर्वे करवाना है, किस प्रकार से जो है आप लोग को लिस्ट में जो है नाम ऐड करवाना है, आप लोग को कहाँ से और कैसे जो यहाँ पर 1,20,000 रुपए जो है आप लोग को घर बनाने के लिए जो है यहाँ पर सभी गरीबों के लिए जो है दिए जाएंगे, साफ साफ जो है बिहार सरकार ने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया है। मैं सारा जानकारी को स्टेप बाय स्टेप जो है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेगा, आप लोग पूरा जानकारी ही कर जाइएगा, तभी जो आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक सरकारी योजना से नहीं जुड़े हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके। शहरी भूमिहीनों का तैयार हो रहा है सर्वे डाटा, गरीबों के लिए बनेगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखिए यहाँ पर बिहार सरकार ने यहाँ पर साफ साफ जारी कर दिया कि सभी गरीबों के लिए जो है यहाँ पर मल्टी स्टोरी जो है बिल्डिंग बनेंगे। यहाँ पर साफ साफ जो यहाँ पर बता दिया है आप लोग को, देखिए यहाँ पर नप से विभाग में मांगी भूमिहीन की सर्वे रिपोर्ट। यहाँ पर जो है सर्वे रिपोर्ट जो है यहाँ पर मांगी है, कब तक जो है यहाँ पर सर्वे का काम जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे ये भी मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। पेपर कटिंग जो है कुछ धुंधला है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग को बताऊंगा। शहरी भूमिहीन गरीब भी अब बेघर नहीं रहेंगे, गरीबों को अपना घर का सपना भी अब साकार होगा। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को छत मैसर होगी। सरकार भूमिहीन गरीबों के लिए मल्टी स्टोरी मकान बनाएगी जिससे भूमिहीनों के भी आवासन को ले आवंटित किया जाएगा। इसको लेकर नगर आवास एवं विकास विभाग ने पहल तेज कर दी है, यानी कि जो है इसकी जो है पहल तेज कर दी गई है। सभी नगर निकायों में जो है भूमिहीन गरीबों के सर्वे का रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, यानी कि सभी ग्राम पंचायत में जो है यहाँ पर भूमिहीन गरीबों का सर्वे का रिपोर्ट जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, यानी कि किन किन गरीबों को जो है यहाँ पर आवास नहीं है, किन किन गरीबों को अभी तक नहीं मिला है उनका रिपोर्ट जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। विभागीय निर्देश के आलोक में मोतिहारी नगर परिषद भी भूमिहीन गरीबों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार मोतिहारी नप के 38 वार्ड में सर्वे को ले अलग अलग टीम जो है बनाए गए है। यहाँ पर जो है सभी ग्राम पंचायत में जो है यहाँ पर अलग अलग टीम बनाकर जो है यहाँ पर सर्वे का काम जो है तेज से किया जा रहा है, खासकर असलम बस्तियों पर फोकस किया जा रहा है। नव प्रशासन ने सर्वेक्षण कार्य में तैनात कर्मियों को सख्त हिदायत दी है ताकि एक भी भूमिहीन सर्वे से वंचित नहीं रहे। बताया जाता है कि विभाग ने 25 दिसंबर से पहले सर्वे का रिपोर्ट जो है तलब की है, यानी कि साफ साफ जो है यहाँ पर बिहार सरकार ने हिदायत दी है कि कोई भी गरीब जो है यहाँ पर भूमिहीन सर्वे से जो है वंचित ना रहे ताकि जो है उन सभी का जो है लाभ मिल सके। यहाँ पर इसको ले सर्वे कार्य में लगे कर्मियों को हिदायत के साथ सर्वे का कार्य जो है तय समय के भीतर पूरा करने का जो है यहाँ पर निर्देश जो है दिया गया है। नव प्रशासन कर्मियों से 22 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है ताकि सभी टीम के सर्वे सूची के आधार पर समेकित सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर विभाग को निर्धारित समय के भीतर जो है भेजा जा सके। 25 दिसंबर तक जो है यहाँ पर भूमिहीन सर्वे का काम जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया जाए ताकि जो है यहाँ पर रिपोर्ट तैयार कर विभाग को निर्धारित समय के भीतर जो है भेज दिए जाएंगे। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि सर्वे में भूमिहीन का आईडी अनिवार्य, सर्वेक्षण में भूमिहीन का नाम एवं उसके ठिकाना की जानकारी रिपोर्ट में अंकित करना है। सर्वे टीम के कर्मियों को वार्ड वार भ्रमण कर भूमिहीन को चिन्हित करने की जिम्मेदारी जो है यहाँ पर दी गई है, यानी कि जो यहाँ पर सर्वेक्षण में जो भी गरीब लाभुक परिवार है वहाँ भूमिहीन का नाम एवं उसके ठिकाना की जानकारी, यानी कि सारा बायोडाटा जो है आप लोग को सर्वे करते समय जो है वहाँ पर लिस्ट में नोट करके वहाँ पर ले जाएंगे और आप लोग का जो है लिस्ट में नाम ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पर जो आप लोग का आवास मिल जाएंगे। इनमें भूमिहीन का नाम पता के अलावे उसका आधार नंबर रिपोर्ट में अंकित करना अनिवार्य है। वही भूमिहीन के पास संपर्क के लिए मोबाइल नंबर है तो उसे भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा। सर्वेक्षण कर्मी की स्पॉट वेरिफिकेशन के साथ पूरी जाँच कर सूची तैयार करना है। यहाँ पर
तो यहाँ पर सर्वे का काम जो यहाँ पर तेज से किया जा रहा है, सभी का जो है लिस्ट में नाम ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर 25 दिसंबर तक जो है सभी का यहाँ पर दिशा निर्देश जारी करके यहाँ पर बता दिया है। और यहाँ पर देखिए आवास योजना को लेकर जांच का आदेश, देखिए नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर वार्ड नंबर 1 के विक्रम ऋषि के परिवार पर जिला प्रशासन हरकत में है। इस बाबत DDC मनोज कुमार ने SDO को जांच कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जो है दिया है। SDO नवनील कुमार ने बताया कि मामले में जांच का आदेश BDO को जो है दिया गया है। गौरतलब है कि विक्रम ऋषि ने नगर पंचायत क्षेत्र में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यापक अनियमित बरतने का आरोप लगाते हुए SDO को आवेदन दिया था कि जिसकी प्रतिलिपि जिला प्रशासन के साथ साथ जो है नगर विकास एवं आवास विभाग को जो है भेजी गई थी। SDO ने आवेदन मिलते ही यहाँ पर CEO को मामले की जाँच का जो है यहाँ पर जिम्मा सौंपा था। CEO ने SDO को जो है यहाँ आदेश जो है वापस कर दिया था। सरकार ने यह भी जो है यहाँ पर जारी कर दिया कि राशि लेकर घर नहीं बनाने वाले पर जो है यहाँ पर 43 लाभुकों पर जो है नीलाम पत्र की भी कार्रवाई जो है यहाँ पर शुरू कर दी गई है। यानी कि पहले जिसका जो है यहाँ पर आवास का पैसा जो यहाँ पर मिल गए है, राशि ले लिए है, वे जो है अभी तक जो है अपना मकान नहीं बनवाए है, अपना आवास नहीं बनवाए है, उन सभी पर जो है यहाँ पर कार्रवाई भी शुरू कर दिया गया है। आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने वाले लोगों पर जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। धमदाहा प्रखंड के 4 पंचायत के 43 आवास लाभुकों पर जो है नीलम पत्र की कार्रवाई प्रखंड कार्यालय के द्वारा जो है की गई है। अगर आप लोग आवास का पैसा ले लेते हैं, अगर आप लोग आवास नहीं बनाते, अपना मकान नहीं बनाते, अपना घर नहीं बनाते, तो इस पर जो है आप पर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार सरकार ने साफ साफ बता दिया है। यहाँ पर देखिए छाया रहा आवास योजना में उगाही का मामला। देखिए यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय में स्थित ई किसान भवन में शुक्रवार को पंचायत समिति की बैठक पर प्रखंड प्रमुख राम इकबाल प्रसाद यादव की अध्यक्षता में जो है संपन्न हुई। संचालन BDO सह कार्यपालक पदाधिकारी अनुपम कुमारी ने किया बैठक में भतनहिया पंचायत के आवास सहायक अफरोज द्वारा जो है आवास योजना में अवैध वसूली का मुद्दा उठाया गया। आरोप लगाया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को घर की सूची में नाम नहीं जोड़ा गया है। एक डरी के सीरीपुर गांव में लाभुकों का नाम सूची से हटा देने का आरोप लगाया। आने की जो है यहाँ पर जो है साफ साफ जो है यहाँ पर खबर निकल कर आ रही, यहाँ पर बहुत ऐसे ग्राम पंचायत में जो है वार्ड मुखिया होते हैं, यहाँ पर जो है आवास योजना के लिस्ट में जो है नाम जोड़ने के लिए जो है यहाँ पर अवैध तरीके से जो है यहाँ पर लाभार्थियों से जो है पैसे की वसूली जो है करते हैं, उसको लेकर यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर पर्दाफाश हो गया है। जुगा फर के पूर्व आवास सहायक पर पैसा उगाही एवं नाजायज वसूली के लिए भुगतान रोक कर रखने का आरोप लगाया। वैसे बहुत ग्राम पंचायत में होते वार्ड मुखिया एवं आप लोग का लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए जो है आप लोग से वार्ड एवं मुखिया जो है बहुत ऐसे ग्राम पंचायत में जो है यहाँ पर अवैध तरीके से जो है यहाँ पर पैसे की वसूली जो है की जाती है। इसको लेकर यहाँ पर पूरा पर्दाफाश जो है यहाँ पर किया गया है कि BDO ने सदन को अवगत कराया कि पद स्थापना के साथ ही वैसे लोगों को चिन्हित कर हटा दिया गया। यानी कि बहुत ऐसे ग्राम पंचायत में ऐसे होते हैं कि वार्ड मुखिया जो है आप लोग आवास योजना के लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए जो है कुछ अवैध तरीके से जो है आप लोग से जो है पैसे लिए जाते हैं कि आप लोग इतना पैसा दीजिए तभी जो आप लोग का जो है आवास योजना के लिस्ट में नाम ऐड किया जाएगा, आप लोग आवास योजना मिल पाएगा। अगर जो आप लोग नहीं देते हैं तो यहाँ पर जो आप लोग का लिस्ट में नाम ऐड नहीं किया जाता है। अगर लिस्ट में नाम भी ऐड रहता है तो यहाँ पर जो है लिस्ट में से नाम जो है काट कर हटा दिया जाता है। यही जो है यहाँ पर हुआ है कि यहाँ पर एक डरी के सीरीपुर गांव में जो है लाभुकों का नाम सूची से हटा देने का जो है यहाँ पर आरोप लगा। यहाँ पर जो है पैसे की अवैध वसूली करने से जो है यहाँ पर लाभार्थियों ने नहीं दिए तो उनका जो है आवास योजना के लिस्ट से जो है यहाँ पर नाम को हटा दिया, उनका ऐड नहीं किया गया आवास योजना के लिस्ट में। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर अवैध उगाही कर अवैध बहाली का आरोप लगाया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के इस बैठक से भी गायब रहने का कारण उनका स्पष्टीकरण जो है सदन को नहीं मिल सका। यहाँ पर जो है इसको लेकर बहुत ही बड़ी जो है यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। आप लोग को जो है यहाँ पर एक भी पैसा जो है किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप लोग का घर पर जो है खुद जो है यहाँ पर सरकारी कर्मी जो है जाकर आप लोग का सर्वे करेंगे। जो भी गरीब लाभुक परिवार होंगे उनका जो है घर बनाने के लिए जो है पैसे दिए जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।